नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। मोगा में रविवार सुबह हुई भारी बारिश ने जहां पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी से शहरवासियों को निजात दिलवाई, वहीं इस बारिश से मोगा के हर मोहल्ले, गलियों, चर्च और मोगा के बाजारों में पानी भर गया और तो शहर के कई हिस्सों में लगे कूड़े के ढेर बारिश के पानी से बाहर आ गए। कूड़े के ढेर बारिश के पानी से बह गए, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं शहरवासियों ने निगम से मांग की कि शहर से बारिश के पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया जाए। इस पर क्या कहना है मोगा की जनता का, आइए सुनते हैं। बारिश का पानी मोगा शहर से कितने भी कोई प्रबंध नहीं है, बारिश के पानी का ना ही शहर की सफाई हो रही है। पिछले 17 दिनों तो यही प्रॉब्लम आ, थान थान से गंद पिया, बरसात आ गई, पानी गंदगी के डल जाता तो लोगों के घर में आ रहा। यह समस्या लिए ना तो नगर निगम कुछ कर रहा, ना ही प्रशासन कुछ कर रहा। इतना पानी खड़ा है कि लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल है, इस करके नहीं है। वहीं इलाके के विधायक जोगिंदर पाल का कहना है निगम सफाई कर रहा है और पानी निकालने के लिए वाटर पंप भी लगाए गए हैं, आइए सुनते हैं। वो पानी तो कर दी रहे लिफ्ट, लेकिन थले पानी मिट्टी जमती रही जी, सिल्ट होंगी सी, हम सिल्ट इन्नी जम गई है, पत्थर भी बन गई है। वो बड़िया मशीन मतलब हम 2 करोड़ रुपए के करीब लग गया, ठेका दिता गया तीन पासे का। हूँ मैं भी सवेरे भी गया है, सवेरे 2 मंडी जीरा रोड के उत्ते मंडी के दरवाजे के अगे 2 चैंबर जोड़े है खुलवा के, तो उत्थे जड़ियाँ अगर बंद की सफाई करने वेले बंद करते मुलाजम, क्योंकि पिछों रोकणगे तो ही बच्चे वट सकनगे ना, तो वो सफाई करने वास्ते जड़िया उन्होंने बोरियां ला के बंद किया हुआ सीगा, वो सारिया सीलां खड़वा के आए ता कि पिछला अमृतसर रोड का जिन्ना छोटी नगर का पानी है वो सारा निकल जाए, जिन्ना भी गंद है वो सारा। एक GTF वाले जिहड़े जिन्होंने सारे पंजाब का ठेका दिता हुआ सी, वह भी GTF वाले ठेका छड गए, वो सारे पंजाब के छड गए, वो कल मोगे की गल तो है नहीं। उनका कोई हल फिर सोल्यूशन कोई, उन्होंने सैकटरी साहब ने मीटिंग की सी उन्होंने, कहते 22 तरीक तो बाद अस काम पर लगेंगे, पर अजे लगे नहीं, इतने मोगे तो नहीं लगे। बरसात शुरू होते ही मुसीबत साथ आती है, निगम कितने भी दावे करे शहर में पानी नहीं भरेगा। यह थी मोगा से विपिन ओकारा की खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए हमारा वेब न्यूज चैनल voiceofindia.net।